नागपुर के मेट्रो भवन में महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नागपुर महामेट्रो का 7वां स्थापना दिन मनाया। इस अवसर पर लोगों ने अपने 7 सालों के अनुभव साझा किए। नागपुर के विकास का प्रतिबिंब अगर किसी चीज से व्यक्त किया जा सकता है तो वो नागपुर की महामेट्रो से दिखाया जा सकता है। इसी महामेट्रो ने आज अपना 7वां स्थापना दिन मनाया। नागपुर के लोगों को वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का सफर देने के लिए प्रयासरत महामेट्रो आज नए नए आयाम शहर में जोड़ रही है। इसका एक अनुभव 7वें स्थापना दिन के अवसर पर लोगों द्वारा बताए गए अनुभवों से पता चला। इस अवसर पर महामेट्रो के महासंचालक ब्रजेश दीक्षित से वीकेबी न्यूज ने बात की। दोस्तों, अगर नागपुर की बात की जाए और नागपुर के विकास की बात की जाए तो उसका चेहरा अगर कोई है तो वो है नागपुर की मेट्रो। और नागपुर की मेट्रो आज अपना 7वां वर्धापन दिन मना रही है। सर, हमारे साथ ब्रजेश दीक्षित सर है जो कि संचालक है। सर, सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है 7 साल का सफर? ये सफर का जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। हमारा जो 40 किलोमीटर का नेटवर्क है उसमें से 26 किलोमीटर ऑलरेडी चल रहा है, बाकी जो 14 किलोमीटर बचा वो भी 1 महीने के अंदर अभी पूरा होने वाला है। उसके बाद पूरा 40 किलोमीटर का जो नेटवर्क है नागपुर मेट्रो का वो शुरू हो जाएगा। तो नागपुर के नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट ये चारों कॉर्नर जुड़ने वाले हैं। और ऑलरेडी हम लोगों की जो राइडरशिप पर डे की है वो 60,000 तक पहुंच चुकी है। और जैसे ही ये बचे हुए सेक्शन खुलेंगे आई एम श्योर हम लोगों की राइडरशिप 1 लाख तक पहुँचेगी। तो 1 लाख लोग रोज़ अगर इस सिस्टम को यूज़ करेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो आज के जो वर्धापन दिवस के अवसर पर ये एक सबसे बड़ा संतोष है कि 7वां ही वर्धापन दिवस है, ये 7 साल की ही आयु है और इतने कम समय में हम लोगों ने जो इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, उसके ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया, संतोष की बात है। और समस्त नागपुर के नागरिकों को महामेट्रो की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिना उनके सहयोग के ये नहीं हो सकता था। और नागपुर के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट, मेरे कलीग्स ऑर्गेनाइजेशन हैं और उन सब का सहयोग मिला, भारत सरकार और राज्य सरकार और हमारे NMC, NIT जो लोकल बॉडीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नागपुर पुलिस, PWD और रेलवे, इस तरह के समस्त ऑर्गेनाइजेशन, उनका पूरा सहयोग मिला नागरिकों के साथ साथ, जिसकी वजह से ये पूरा हुआ। तो आज का दिन उन सब लोगों को धन्यवाद देने का है। मेरी अपनी टीम जिन्होंने 11,000 लोग जो रात में और दिन में काम करते थे और त्यौहार और छुट्टी के दिन भी काम करते थे, और हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली जो अभी इतना बड़ा काम गड्डी गोदाम में हो रहा है वो वहाँ पर एफकॉन काम कर रही है, इसके पहले जो वर्धा रोड में NCC ने काम किया, उसके बाद जो RIS 3 में IT ने काम किया, तो ये सारे लोग जो हैं, इनके सारे वर्कर्स जो हैं काम कर रहे थे, तो उन सबको लुक आफ्टर करना, उनसे काम करवाना पूरा और समय से कराना और विद हाई क्वालिटी कराना, ये चैलेंज जिन सब लोगों ने मीट किया है उन सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा। सर, दो तीन चीज़ें मेट्रो के तैयार इस पूरे सफ़र में खास तौर पर हुई है, जो गड्डी गोदाम का पुल कहा जाए या फिर डबल डेकर पुल कहा जाए, ये जो भगीरथ प्रयास थे, किस तरह की मुश्किलें आई, इसके लिए क्या कहेंगे? मुश्किलें कोई भी आप इस तरह का काम करने जाएंगे तो मुश्किलें आएंगी। हम लोगों का काम मुश्किलों को ओवरकम करना है। तो मुश्किलें शुरू से ही आती हैं, लैंड एक्विजिशन से स्टार्ट होता है मामला, फंडिंग दूसरी चीज़ होती है, टेक्निकल डिज़ाइन तीसरा होता है, समय से पूरा करना वो चौथा चैलेंज है, ये सारे लीगल चैलेंजेस भी आते हैं बहुत सारे। तो ऑल दी चैलेंजेस वेयर देयर एज दे आर नॉर्मली अवेलेबल और देयर एनीवेयर एल्स, इन सारे चैलेंजेस को समय से दूरदृष्टि के साथ पहचान के इसको और इसका निराकरण करना वो हमारी टीम ने किया है और मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि दे हैव बीन एबल टू डू इट सक्सेसफुली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ब्रजेश दीक्षित सर जो कि बता रहे थे कि 7 साल का सफ़र किस तरह से हुआ और 7 साल में किस तरह से मेट्रो ने अपना सफ़र तय कर लोगों के लिए सेवाएं प्रदान की। कोविड के 2 सालों में परेशानियों के बावजूद मेट्रो का ये सफरनामा उनकी कार्य सफलता को दर्शाता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन बोकड़े के साथ नीलेश फरकाड़े, VKB न्यूज नागपुर। 7 सालों में महामेट्रो ने अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में महामेट्रो को नई पहचान दिलाई और ये नई पहचान दिलाने में मेट्रो परिवार की कड़ी मेहनत है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन 21 अगस्त 2014 को
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ। 18 फरवरी 2015 को नागपुर मेट्रो रेल परियोजना की स्थापना की गई और केवल 27 माह के कार्यकाल में 30 सितंबर 2017 को नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का पहला ट्रायल रन शुरू किया गया। 7 मार्च 2019 को ऑरेंज लाइन का शुभारंभ हुआ और पहली बार शहर में मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगी। मला खात्री आहे की नागपूरच्या संत्र्यान प्रमाणे नागपूरची माझी मेट्रो देखील भारतात प्रसिद्ध होईल। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।